विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है x टू द पावर ऑफ 3 प्लस x टू द पावर ऑफ 2 इक्वल्स 1/8। यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एक और एक बार नोट डाउन कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 1/8। तो अगर ये 8 निकालना है तो इसके साथ 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ठीक इसी तरह लेफ्ट साइड में भी 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तब ये 8 और 8 निकल जाएगा, ओनली रिमेनिंग राइट साइड में 1 रहेगा। लेकिन यहाँ 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट बनेगा 8x³ + 8x² = 1। तो इस 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2^3 इंटू x³ एज यूजुअल प्लस इस 8 को 2 × 4x² लिखेंगे इक्वल्स 1, सेम हो जाएगा। तो ये 2 × 2³ × x³ ये बनता है a इंटू m b इंटू m के जैसा है, तो ये a इंटू b इक्वल्स a इंटू b टू द पावर m बनेगा। ये आइडेंटिटी यहाँ पर अगर यूज किया तो ये बनते 2x³ प्लस यहाँ पर 2 एज वेल, लेकिन यहाँ पर भी 4 को 2² किया तो यहाँ पर भी 2x² बनेगा, ये इक्वल्स ये 1 एज वेल, ठीक है। तो यानी 4 को मैं इस 4 को मैं 2^2 किया तो ये तो x² एज वेल है, यहाँ पर x² रखो, यहाँ पर भी x² है, तो ये 2x² बन गया, सेम इसका। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे 2x का वैल्यू, लेट 2x एज टी, सपोज 2x के जगह में अगर t पुट किया तो ये बनता है t³ प्लस यहाँ 2 × t² इक्वल्स 1 है, तो ये साइड में लाओ तो -1 बनेगा, इक्वल यहाँ पर 0 बन रहा है, ओके। अभी नेक्स्ट एक क्यूबिक इक्वेशन हो गया, तो यहाँ पर ये t³ रहने दो प्लस यहाँ पर 2t² है, इसे हम ब्रेक करेंगे 1t² + 1t² करेंगे ऐसे, तो 2t² हो गया, ये -1 एज वेल आगे रखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो इन दोनों में t² कॉमन आ जाएगा, तो t² कॉमन ले लो, तभी ये रिमेनिंग रहेगा t + 1 + ऑफ। यहाँ पर इन दोनों में क्या कर दो, ये 1 1² है, तो इसको 1 है 1² कर दो, ये बन गया t² - 1² यानी a² - b² के जैसा बना, तो ये बनता है a - b × a + b। तो इसके हिसाब से अगर किया तो ये t - 1 × t + 1 हो जाएगा, इक्वल 0 राइट साइड में। तो ये टर्म और ये टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन है, और t + 1 इधर भी है, t + 1 इधर भी है, तो हम t + 1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो रिमेनिंग रहेगा ये t² और ये प्लस यहाँ पर t - 1 इक्वल 0, यानी हमें 0 का दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, 2+1 = 0, दूसरा मिल रहे t² + t - 1 = 0, ठीक है। तो ये राइट साइड मिलाओ तो t हमें मिल रहे -1, और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले t - 1 करेंगे, ये रख देंगे, लेकिन हमने टी इस लेट किया है 2x, ये रिकॉल कर दो t की जगह में, तो t की जगह में अगर 2x रिकॉल किया तो 2x इक्वल्स -1 बनते, तो हमें चाहिए x का वैल्यू, तो दोनों तरफ 2 से अगर डिवाइड किया तो a² निकल जाएगा, तो हमें x का वैल्यू मिलेगा -1/2, ये x का एक वैल्यू हो गया। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख लेता हूँ -1/2, दूसरा क्या मिलता है वो देखेंगे। दूसरा है t² + t - 1, एक t² + t - 1 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर किया तो यहाँ पर ये इक्वल्स क्या आ रहे हैं, t² का कोएफिशिएंट 1 आता है, बी इक्वल्स क्या आता है, टी का कोएफिशिएंट वो भी पॉजिटिव 1 है, सी इक्वल्स क्या आता है, कांस्टेंट यहाँ पर -1 है, -1 रखो, तो ये तीनों वैल्यू
क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे तभी हमें इसका सॉल्यूशंस मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर पुट किया तो टी का वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव टाइम्स बी में माइनस बी मीन्स माइनस टाइम्स बी इज वन प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर इज वन स्क्वेयर माइनस फोर टाइम्स ए इज वन बी इज नेगेटिव वन ऑल ओवर टू इंटू ए, टू इंटू ए इज वन। तो टी इक्वल्स नेगेटिव वन एज वेल प्लस आर माइनस स्क्वेयर रूट माइनस वन होल स्क्वायर मीन्स वन ही होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये फोर इंटू वन मीन्स फोर ही बनता है ऑल ओवर टू। तो टी इक्वल्स हमें मिल रहे हैं नेगेटिव वन प्लस आर माइनस रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू। तो ये जो है टी का वैल्यू हमें यहाँ पर दो मिल रहे हैं, वो एक नेगेटिव वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू और दूसरा मिल रहा है टी इक्वल्स नेगेटिव वन स्क्वेयर रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू। ठीक, एक्स का वैल्यू टी रिकॉल कर दो इसमें फर्स्ट वन में, तो टी अगर रिकॉल किया तो ये बनता है टू एक्स इक्वल्स नेगेटिव वन प्लस रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पर अगर टू अगर निकालना है तो इसको वन बाई टू से मल्टीप्लिकेशन कर दो, अगर इसमें वन बाई टू से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन किया तो राइट साइड में भी वन बाई टू से मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये टू ए टू निकल जाएगा। तो हमें एक्स का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा एक्स इक्वल्स नेगेटिव वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई टू इंटू टू मीन्स फोर, ये सेकेंड हो गया। एक तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव वन बाई टू मिला, सेकेंड क्या है नेगेटिव वन प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई फोर, और इससे क्या मिलता है यहाँ पर भी रिकॉल कर दो टी का वैल्यू टू एक्स, तो टू एक्स टी के जगह में अगर रिकॉल किया तो टू एक्स इक्वल्स नेगेटिव वन नेगेटिव रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर भी टू अगर निकालना है तो वन बाई टू से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसमें भी वन बाई टू से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ए टू निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक्स का वैल्यू मिलेगा नेगेटिव वन नेगेटिव रूट फाइव डिवाइड बाई टू इंटू टू मीन्स यहाँ पर फोर, तो ये एक एक्स का वैल्यू हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और पीछे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।